हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरजीत वर्ल्ड। और मेरा नाम है हरजीत और आज मैं फिर एक और वैकेंसी के बारे में बात करने वाली हूँ जो एयर अरेबिया में ओपन हुई है। उसकी रिक्वायरमेंट्स बताऊंगी और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और वो कौन कौन से लैंग्वेजेस के लिए ओपन हुई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं खुद एक कैबिन क्रू रह चुकी हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 8 ईयर्स फ्लाई किया है तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो चलिए आज की वीडियो के साथ स्टार्ट। पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो वैकेंसी ओपन हुई है वो स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के लिए ओपन हुई है, जिसे रीजनल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। रीजनल लैंग्वेजेस होती है कि एक कंट्री की या एक खुद की स्टेट की एक लैंग्वेज जो बोली जाती है उसके लिए उसे रीजनल लैंग्वेजेस कहा जाता है, जैसे कि मराठी, गुजराती, बंगाली या अरबिक या कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं आप। तो ये जो वैकेंसी ओपन हुई है ये बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए ओपन हुई है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये रीजनल लैंग्वेजेस के लिए ओपन हुई है, तो मैं आज बात करने वाली हूँ सिर्फ बंगाली और उर्दू के बारे में। अगर आपको बंगाली आती है या उर्दू आती है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए ओपन हुई है लेकिन मैं सिर्फ इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। ये जो वैकेंसी ओपन हुई है ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए ओपन हुई है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको बंगाली आती है तो आप बंगाली वाले सेक्शन में अप्लाई करेंगे, और अगर आपको उर्दू आती है तो आप उर्दू वाले सेक्शन में जाके अप्लाई करेंगे। आप चाहे किसी भी लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन सब लैंग्वेजेस के लिए रिक्वायरमेंट सेम है। सो लेट मी स्टार्ट विद द रिक्वायरमेंट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज एज, विच इज मिनिमम एज शुड बी 20 एंड मैक्सिमम इज 26। अगर आप 20 के हो गए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, और मैक्सिमम एज है 26। और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हाइट, विच इज फीमेल के लिए 160 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए और मेल के लिए 168 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है उनका फिजिकली फिट, आप फिजिकली फिट होने चाहिए क्योंकि आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी हो पड़ सकती हैं, जो कि जैसे कि आपको कार्ट पुल करना हो सकता है या फिर आपको कंटेनर्स लिफ्ट करने हो सकते हैं या फिर कभी कभी आपको कस्टमर के साथ उनका बैगेज की भी हेल्प करनी पड़ सकती है। तो बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको करनी पड़ सकती हैं, तो इसीलिए फिजिकली फिट होने चाहिए और आपको कोई डिजीज़ या कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है उनका क्लियर स्किन, मीन्स कि आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए, आपके फेस पे कुछ मार्क्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है नो विजिबल टैटूज, विच मीन्स कि आपकी बॉडी पर टैटूज हो सकते हैं लेकिन वो विजिबल नहीं होने चाहिए। जब आप उनकी यूनिफॉर्म पहने तो वो आपके टैटूज जो हैं वो विजिबल नहीं होने चाहिए, दिखने नहीं चाहिए आपकी यूनिफॉर्म के बाहर। तो ये होता है नो विजिबल टैटूज। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है फ्लुएंसी इन इंग्लिश, जो होना ही चाहिए, मीन्स आपको इंग्लिश आनी चाहिए। उनका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है एबिलिटी टू स्विम विद द फ्लोटिंग डिवाइस, विच मीन्स कि आपको अगर वो फ्लोट करने के लिए कहें विद द हेल्प ऑफ अ लाइफ जैकेट तो आप कर सकें। मीन्स इसका ये मतलब नहीं है कि आपको स्विमिंग आनी चाहिए, सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको वो स्विमिंग पूल में छोड़ देंगे तो एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक आप लाइफ जैकेट की हेल्प से जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये पूछा जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि स्विमिंग आनी चाहिए। मैं खुद क्रू रह चुकी हूँ और मुझे स्विमिंग नहीं आती थी लेकिन मेरे को इतना आता है कि अगर मैं फ्लोटिंग डिवाइस पहनकर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जा सकूँ। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन, विच इज HSC पास या 12th पास। अगर आपने 12th पास कर लिया तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास कर लिया उनके लिए भी ओपन है, और अगर आपने ग्रेजुएट कर लिया तो ऑब्वियसली आप भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कहना चाहते हैं कि फ्लुएंसी इन बंगाली, विच मीन्स अगर आपने बंगाली लैंग्वेज के लिए अप्लाई किया है तो आपको बंगाली आनी चाहिए, और या फिर अगर आपने उर्दू के लिए अप्लाई किया है तो आपको उर्दू आनी चाहिए। मीन्स फ्लुएंसी इन स्पीकिंग, मतलब अगर आप किसी भी लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हो चाहे वो बंगाली हो या फिर उर्दू, जिस भी लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको उसमें फ्लुएंट होना होगा। अगर वो आपको कभी भी बोल सकते हैं लिखने के लिए या पढ़ने के लिए, वो कहीं पर भी कोई भी टेस्ट ले सकते हैं, तो आपको इतना आना चाहिए कि आप उनको अगर वो आपसे पूछें तो आप उनको जवाब दे सकें। तो ये थी सारी रिक्वायरमेंट्स एयर अरेबिया की। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनका बेस कहाँ है। उनका बेस है शारजा में, जो कि UAE में पड़ता है, तो आपको रिलोकेट होना पड़ेगा UAE में, शारजा में। अब मैं आपको बताऊँगी हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाली हूँ। और मैं उनकी वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंशन कर दूँगी ताकि आपको डायरेक्टली आप उस लिंक पर पहुँच जाएँ। सबसे पहले आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है जो कि है careers.airarabia.com। जैसे ही आप वो लिंक ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा, एक ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पर लिखा होगा कैबिन क्रू। आप जैसे ही उस कैबिन क्रू पे ओपन करेंगे
तो वहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे इनको. अगर आप उर्दू स्पीकर हैं तो आपको उर्दू स्पीकर वाले लैंग्वेज पे क्लिक करना है, और अगर आप बंगाली स्पीकर हैं तो आपको बंगाली वाले लिंक पे क्लिक करना है. आप जैसे ही अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आप पढ़ सकते हैं. फिर वहाँ पर अप्लाई नाउ लिखा है, टॉप पर भी लिखा है, और जैसे ही आप रिक्वायरमेंट्स फिनिश कर देंगे, रिक्वायरमेंट्स के जस्ट नीचे भी अप्लाई नाउ लिखा है. आप लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई नाउ लिखा है जहाँ पर, वहाँ पर भी अप्लाई नाउ करके आप अप्लाई कर सकते हैं. देन आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर क्रिएट अकाउंट लिखा होगा. आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और फिर वहाँ पर जैसे ही आप अपना आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो वहाँ पर ऐसे एक पेज ओपन हो जाएगा. आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसा पेज है. वहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है आपकी, वो फिलअप करनी है. वहाँ पर बहुत सारे ड्रॉप डाउन बॉक्सेस बने हुए हैं जो आप ओपन करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है. मैं इसमें एक और बात कहना चाहती हूँ कि जैसे जैसे आप फिलअप करेंगे तो वहाँ पे जो लैंग्वेज में है, जितनी लैंग्वेजेस आपको आती हैं आप वो भी फिल कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर बंगाली के लिए बोला गया तो सिर्फ आप बंगाली ही फिलअप करेंगे, और अगर आपने उर्दू का भर रहे हैं तो आपको सिर्फ उर्दू ही लिखना है. आपको और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं तो आपको वो भी फिलअप करनी है. तो ऐसे ही आपको अपना पूरा फॉर्म फिलअप करना. तो ये था सारा प्रोसेस. आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको देंगे उतनी अच्छी बात है. मतलब आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, कॉल सेंटर या आपने कहीं पे भी काम किया, आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको अपने एक्सपीरियंस के बारे में देंगे, इट्स वेरी गुड. आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें उनको इन्फॉर्मेशन देने की. तो ये थी पूरी वीडियो एयर अरेबिया के बारे में. आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना ना भूलें. और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ. थैंक यू. Bye.